वेलकम टू द पार्ट 26 ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक एंड लॉजिकल गैसिंग सीरीज। अनाउंसमेंट ये है कि इस सीरीज को यहीं स्टॉप किया जा रहा है क्योंकि प्रीलिम्स आपका 5th ऑफ जून को होने वाला है, तो उसके बाद इस सीरीज की रिलीवेंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रीलिम्स होगा उससे पहले सही समय पर इस सीरीज को वापस से स्टार्ट किया जाएगा। ओके, सो नो नीड टू वरी कि ये सीरीज अब कभी चालू नहीं होगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी चालू रहेगी। बट अब स्टॉप कर रहा हूँ मैं और नेक्स्ट प्रीलिम्स से पहले मैं इसको वापस चालू कर दूंगा। तब तक लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही एनालिटिकल चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें। सबसे पहला चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 35 है, किसका, 2018 का। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2018 का और ये वाला क्वेश्चन आया है 2021 में। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट था, गैक्सा का नाम का कुछ इसमें पूछा गया था, समिट से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट था, यहाँ भी समिट से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट बाइंडिंग या लीगली बाइंडिंग या है या नहीं है इससे रिलेटेड ऑब्लिगेशंस पे था, यहाँ भी एक लीगली बाइंडिंग वाला स्टेटमेंट है। यहाँ भी पूछा गया है इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल था या नहीं था, यहाँ भी यही पूछा गया है घूम फिर के, इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्निमेटरीज एट द इंसेप्शन। आप समझ रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2018 का जो रेप्लिकेशन है वो 2021 में देखने के लिए मिला है आपको। मैंने इस क्वेश्चन में जब एलिमिनेशन टेक्निक में डिस्कस कर रहा था, आप देख लीजिएगा वो पार्ट, मैंने बताया था किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत था, स्टेटमेंट 3 आपका गलत गलत गलत, ऑप्शन 2 आपका आंसर बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2021 में सीखने वाली चीज़ ये है कि मैंने हमेशा से बताया था कि एलिमिनेशन टेक्निक ये नहीं है कि आपने रट लिए कुछ एक्सट्रीम वर्ड जैसे ओनली ऑलवेज नेवर और जहाँ भी उनको दिखे वहाँ उनको गलत कर देना है, ऐसा नहीं होना है। हमेशा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कीजिए ऑप्शंस का एंड रीड ऑल ऑप्शंस, रीड ऑल ऑप्शंस वंस, सारे ऑप्शंस को एक बार तो पढ़िए ही पढ़िए। ठीक है, और एक इस क्वेश्चन में ये देखिए कि करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, ये दो ही सबसे बड़ी ब्लंडर है जो कैंडिडेट्स करते हैं, ऑप्शंस को नहीं पढ़ते हैं और करेक्ट या नॉट करेक्ट को नहीं पढ़ते हैं। अब इस 21 वाले क्वेश्चंस में आप देखिए कि पहला स्टेटमेंट सबमिट से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर फिशी जो चीज़ें हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें फिशी हैं। ओके, लेट मी रब इट। ओके, स्टेटमेंट 1 हमने पढ़ा तो फर्स्ट एंडोर्स्ड। ओके, समिट वो भी कौन सा, यूनाइटेड नेशंस का, कब, 2014 में। इट एंडोर्सेज अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वेरी जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा फिशी नहीं है। लीगली बाइंडिंग, ये फिशी है। ठीक है, एंडोर्स बाय द गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई एस्टिमेट नहीं है। अब फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या है, इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। अब यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट ये दोनों कर रहे हैं कंट्राडिक्ट। ठीक है, कंट्राडिक्ट। अब यही मैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो 3 स्टेटमेंट थे, सीधा सीधा एक आपने एलिमिनेट किया कि यार इंडिया इंस्ट्रूमेंटल होता तो कहीं तो वो एनवायरमेंट की न्यूज़ में, कहीं कुछ तो, मतलब जैसा इतना ग्लोबल इनिशिएटिव साइन हो रहा है उसकी कोई न्यूज़ ना बने ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ तो वो चीज़ लग गई थी। अब यहाँ पर क्या होता कि ये आप पॉइंट नोट कीजिए कि दोनों की दोनों जो इनिशिएटिव हैं इन्होंने बहुत ही पुराने पूछे हैं। 2021 में 2014 का स्टेटमेंट बना के दिया है, 2018 में 2015 का स्टेटमेंट बना के दिया है। यहाँ पर यूपीएससी की साइकोलॉजी ये है कि ऐसा झूठ बोलो कि वो सच लगे, ऐसा झूठ बोलो कि वो सच बले सच लगे, और इतना पुराना डेटा दो और उस तरीके से फ्रेम करके दो कि आप मजबूर हो जाओ ये सोचने के लिए कि ये सही है। इसने ये सबमिट दिया है 2014 का और इसने बोला है इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। अब यहाँ पे कीवर्ड है इंसेप्शन का। ठीक है, इंसेप्शन का मतलब की है जब ये स्टार्ट हुआ था, एंडोर्स किया गया था, इंडिया तभी साइन कर दिया था, लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, लीगली बाइंडिंग। माय डियर, मैं आपको यही पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया एक सॉवरेन नेशन है और कोई भी लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट इंडिया इतनी जल्दी साइन नहीं करता है, बहुत सारे साल लगते हैं नेगोशिएशंस में, डिस्कशंस में, पॉलिसी लेवल के फ्रेमवर्क में, तब जाके इंडिया कहीं कोई एग्रीमेंट साइन करता है अगर वो लीगली बाइंडिंग होता भी है तो।
अदरवाइज मैक्सिमम जो भी ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं वो वॉलेंट्री नेचर के होते हैं। अब सवाल यह है कि इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट द इट्स इंसेप्शन। इस स्टेटमेंट के गलत होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, बिकॉज यूपीएससी हैज़ डेलिबरेटली फॉर्म्ड दिस स्टेटमेंट एंड डेलिबरेटली फॉर्म दिस स्टेटमेंट आल्सो हेयर। समझ में आ रहा है आपको कि ऑप्शंस कैसे बनाए जाते हैं? फिफ्थ स्टेटमेंट आपका गलत होगा, फिफ्थ स्टेटमेंट आपका गलत होगा, तो आंसर बी एंड आंसर डी ये आपका एलिमिनेट हो चुके हैं। फोर्थ ऑप्शन आपको पढ़ना ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन आपको पढ़ना ही नहीं है। और मैंने आपको यही बताया था कि लीगली बाइंडिंग जहां भी आ जाए वो थोड़ा सा फिशी हो ही जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, बिकॉज कोई भी लीगली बाइंडिंग चीज़ इंडिया इजीली साइन नहीं करता है। दैट इज़ वाई ऑप्शन थ्री इज ऑल्सो रॉन्ग एंड आंसर इज ए। मैं आपको बताया था कि एलिमिनेशन टेक्निक एक सोचने का तरीका है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर है कि आप कैसे सोचते हैं। और मैंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ये 2018 का 2021 में सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल भी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़ें। और ये वो नहीं है एलिमिनेशन टेक्निक कि हाँ आपने ये कुछ वर्ड्स रट लिए और अब बस हो गया एलिमिनेशन टेक्निक। अगर ऐसा ही होता तो ऐसा तो सबका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता ना, फिर क्यों ऐसा होता है? चलो मान भी लिया जाए कुछ बच्चों का सिली मिस्टेक्स के कारण रुक जाता है, फिर भी मेजोरिटी का हो तो होना चाहिए ना प्रीलिम्स, ऐसा नहीं होता है। पर तो इसलिए रिस्क टेकिंग बिहेवियर को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, कैसे सोचना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए होंगे। एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। मिलते हैं अगले प्रीलिम्स से पहले इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू सो मच, एंडिंग दिस वीडियो।